तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस के जो कि एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है हमें कि इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगी। अगर आपने डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पर टॉपिक नहीं देखा है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर उसके देख सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी स्पीसीज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगी। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब एक ही स्पीसीज का क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए का क्या हो रहा है, बी में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने एक एक्सेप्ट कर लिया, ए माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, और ए का ए प्लस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, त्याग दिया। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या हमने बताया था, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैंने बता चुका हूँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके दो पॉइंट बताए थे कि जो ए हमारा है वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। जब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा तो किसी एक में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगी और किसी एक में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्लोरीन के हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो अगर आप लोग ClO- माइनस में देखेंगे तो इसकी एक्स मानी ऑक्सीजन की माइनस टू इक्वल में माइनस वन, माइनस टू इक्वल किधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का टू हो जाएगा, माइनस वन कितना आएगा, प्लस का वन, यानी ये एवरेज है। क्लोरीन मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, आउटर शेल में कितने होते हैं क्लोरीन के, एटॉमिक नंबर कितना, 17, 2, 8, 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम क्लोरीन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, क्योंकि 7 इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अगर हम लोग अब देखें ClO2 माइनस में देखें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन की क्या मान लेंगे, x प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, माइनस टू इक्वल में माइनस वन, तो टू टू का कितना होता है, फोर होता है, माइनस का फोर, माइनस वन, माइनस फोर इक्वल की साइड लेंगे किसका हो जाएगा, प्लस फोर माइनस वन, प्लस फोर में सेवन जाएगा कितना बचेगा, प्लस का थ्री बचेगा, राइट। ClO3 माइनस में देखें अगर हम लोग तो थ्री टू का कितना होता है, सिक्स होता है, सेल की एक्स मान ली, थ्री टू से सिक्स हो जाएगा, माइनस का सिक्स इक्वल में माइनस वन, माइनस सिक्स इक्वल के इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का सिक्स माइनस वन, सिक्स में से फाइव, सिक्स में से वन कितना हो जाएगा, फाइव, प्लस का फाइव, यानी ये भी एवरेज मान सकते हैं कि प्लस फाइव में से एक घटाएंगे तो सिक्स हो जाएगा, और सॉरी प्लस फाइव में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, एक इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, तो यानी ये शो कर सकता है। इसमें देखें तो x ऑक्सीजन की माइनस टू, तो फोर माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू माइनस वन, फोर चार माइनस वन, इसीलिए फोर टू जहाँ माइनस एट इक्वल टू माइनस वन। ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है कैसे निकाली जाती है, इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं। तो माइनस एट को इक्वल के इस लाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, प्लस एट माइनस वन, कितना बचेगा हमारा, प्लस सेवन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मैक्सिमम जितनी शो करनी थी प्लस सेवन शो कर दिया। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि ये ऑक्सीडेशन तो शो कर सकता है, यानी सॉरी रिडक्शन तो शो कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन नंबर इसकी जितनी भी घट सकती है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घट जाती है, तो रिडक्शन तो शो करेगा डिसप्रोपोर्शनेशन में, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नहीं शो कर सकता, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है, तो प्लस सेवन से तो मैक्सिमम शो नहीं कर सकता ज़्यादा। तो इसीलिए ClO4 माइनस जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये वाला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रिएक्शन, ये दो जो रिएक्शन दी हुई हैं ये डिफरेंट क्यों हैं। तो ये डिफरेंट क्यों हैं, पहले हमारी कराई है लेड Pb3O4 की हमने रिएक्शन कराई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो पहले Pb3O4 के बारे में हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है। तो Pb3O4 जो होता है वो PbO और PbO2 का क्या होता है, मिक्सचर होता है, यानी इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो PbO2 दोनों की क्या होती हैं, मिक्स प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं इसके अंदर। तो होता क्या है, जब जो हमारा PbO है, PbO क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिक ऑक्साइड है इसका, क्योंकि ये O- डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। जब भी कोई ऑक्साइड आयन डोनेट करता है तो वो बेस होता है, ठीक है। PbO2 जबकि हमारा क्या, अगर इसमें हम लोग लेड की ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो ऑक्सीजन की माइनस टू, एक दो ऑक्सीजन की कितनी,
माइनस फोर को इक्वल के साइड लेंगे कितनी हो जाएगी प्लस फोर, यानी यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर इसकी होती है प्लस फोर। अब हायर ऑक्सीडेशन नंबर है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी इसके अंदर। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी यानी ये दूसरे का क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए ये जो होता है हमारा ऑक्सीकारक होता है, क्या होता है, ऑक्सीकारक कह लें या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, जो ऑक्सीडेशन कर दे, ठीक। तो होता क्या, देखिए जब हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो एक्चुअल में ये एक तरीके की रिएक्शन नहीं है, ये आपको दिख रही है या ऐसे नहीं रिएक्शन, ये दो पार्ट में रिएक्शन होती है। पहली वाली, अगर हम पहली वाली रिएक्शन देखें तो इसमें कौन है हमारा Pb3O4 में PbO और कौन है PbO2, इसका नेचर कैसा है बेसिक। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, राइट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। तो बनता क्या है हमारा PbCl2 यानी लेड क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है H2O। जानते हैं हम लोग सब लोग, जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो कोई सॉल्ट बनता है और लवण बनता है और जल क्या होता है निकल जाता है। वहाँ पे जल निकल गया और लवण यानी सॉल्ट हमारा क्या हो गया, बन गया। तो PbCl2 दो Cl हमारे यहाँ पे हैं और दो H हैं, तो ये हो गया हमारी रिएक्शन। PbO2 की जब हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग इसको 4 ले लें तो क्या हो जाएगा, हमारे दो Cl यहाँ पे निकल है, इसको कर दें हम लोग अगर 2, तो ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये PbO2 की अगर हम लोग HCl से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लेड ऑक्साइड कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, दूसरे का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करता है, यहाँ पे क्या हमारा Cl माइनस, ये Cl माइनस के रूप में मौजूद होगा तो ये इसको Cl2 में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितनी, 0, -1 से 0 हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया निकला, तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन हो गया। प्लस क्या बनता है, फिर वही बनेगा हमारा लेड क्लोराइड PbCl2 और H2O क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आपको करना है संतुलित करना है, संतुलित कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, 4HCl PbCl2 दो सेल यहाँ निकले, दो सेल यहाँ निकले, राइट, 2H2O निकल गए, दो O है एक Pb। अब अगर हम उनको जोड़ के लिखें तो क्या हो जाएगी मेरी रिएक्शन, PbO2 PbO3 हो जाएगा हमारा, ये PB3O4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा HCl, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 और 3 PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2O, रिएक्शन वही आ गई हमारी, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है, पहली वाली बेस और एसिड की रिएक्शन है और दूसरी वाली हमारी ऑक्सीडाइजिंग रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है Cl2 में क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Cl- का। अब अगर हम लोग इसकी बात करें दूसरी वाली रिएक्शन, ये डिफरेंट क्यों है इससे, तो नाइट्रिक एसिड है हमारा ये HNO3, क्या है नाइट्रिक एसिड, इसमें फिर से Pb3O3 में PbO और PbO2 होगा। अच्छा, नाइट्रिक अम्ल जितने भी एसिड हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वो ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीकरण कर देगा, ये हमारा क्या है, ऑक्सीकरण कर देगा, सेम रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो इनके बीच रिएक्शन कोई नहीं होती है, लेकिन PbO क्या है, बेसिक, ये कैसा है, अम्ल, तो इसकी अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी, और क्या बनेगा हमारा, सॉल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा, तो सेम रिएक्शन होगी, क्या होगा Pb3O4। रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, नाइट्रिक एसिड से, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ओके दिख रहा है, तो क्या होगा हम लोग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, तो PbO की तो रिएक्शन होगी इससे, तो PbO जब इससे रिएक्शन करेगा तो बनाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट में, लेड नाइट्रेट में हो जाएगा, ठीक है, लेड नाइट्रेट बनेगा
और PbO2 नहीं रिएक्शन करेगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, सॉल्ट बना H2O निकल गया। आप करना चाहे बैलेंसिंग करना चाहे बैलेंसिंग कर लीजिए, 4HNO3 यहाँ पे ले लीजिए और 2PbNO3 हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, 2H2O निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे से डिफरेंट हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।